हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो देखिए, आज मैं डॉल हाउस का सामान लेके आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा सा है। और ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किचन से, क्योंकि हमें भूख लगी है ना। किचन में खाना खाएंगे, उसके बाद और ये डॉल हाउस का टूर करेंगे। तो ये हमारा किचन कैबिनेट है, देखिए मॉडर्न किचन है। ये सारा सामान ऐसे कबर्ड के अंदर रहता है, देखिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ना। और इसका जो सिंक एरिया है ना, जहाँ पर बर्तन धुलते हैं, उसका अलग भी हो जाता है। और अब देखते हैं फ्रिज को, क्योंकि सारा खाने का सामान तो फ्रिज में रहता है ना। तो ये है हमारा डबल डोर फ्रिज, काफ़ी बड़ा सा है डबल डोर फ्रिज, तो इसको भी रखते हैं। और हम देखते हैं अपना डाइनिंग टेबल, जहाँ पे हम खाना खाएंगे। वाह, 4 चेयर्स है इसमें, तो 4 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं दोस्तों। कितनी प्यारी प्यारी से चेयर्स है ना, ये टेबल भी है, इसमें खाना लगा हुआ है, तो इसमें बस बैठना है और खाना खाना है। देखिए वो 2 लोगों के लिए खाना लगा हुआ है, 2 प्लेट्स लगी हैं उसमें। तो चलिए इसको भी रखते हैं। और हम कहाँ चलेंगे, किचन टूर हो गया, और हम चलेंगे अपने लिविंग एरिया में। ये है हमारा लिविंग एरिया, यहाँ पर ये सोफ़ा दिया हुआ है, यहाँ पर सोफे में 3 लोग बैठ सकते हैं। और एक ये सोफ़ा दिया हुआ है सिंगल सीटर, इसमें 1 लोग बैठ सकते हैं। और इसके साथ ही कॉफ़ी टेबल भी दी गई है, देखिए वाह पूरा सेटअप है। देखिए इसमें भी कुछ रखा हुआ है, स्नैक्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं कि हम खा सकते हैं। तो और वो देखिए, और इसमें क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा फ़ोन भी है, बारबी फ़ोन। ये बारबी का फ़ोन है, बारबी का घर है ना ये, तो उसका फ़ोन है। जब बारबी बोर हो जाती है तो सोफे पे बैठ के आराम से बात करती है। वाह, ये भी पिंक कलर का है, बारबी का फेवरेट कलर है ये तो इसको भी रखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं ये फायर वाली फायर प्लेस है, ये यहाँ पे आग जलाते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे घर के किसी कोने में ऐसे आग जलती रहती है, जिससे गर्म रहता है घर। तो इससे पता चलता है कि डॉल के घर में बहुत ठंड रहती है, इसलिए ये सब जुगाड़ करना पड़ा। ये है ग्रैंडफादर क्लॉक, ये बहुत पुराने ज़माने की घड़ी है, इतनी बड़ी सी घड़ी देखिए। तो अब देखते हैं हमारी ये टीवी कैबिनेट, यहाँ पे टीवी लगी हुई, देखिए कुछ प्रोग्राम चल रहा है इसमें बच्चों का, कार्टून्स चल रहे हैं। और यहाँ पे टॉयज रखे हुए हैं, बुक्स रखी हुई हैं, तो ये 2 in 1 का काम करते हैं। इसमें टीवी भी रख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सोफे में बैठ के ऐसे टीवी देखेंगे। और अब हम देखेंगे, और हमारा सारा एंटरटेनमेंट हो गया तो हम चेंज करते हैं, क्योंकि अब हमें सोना है ना, तो हम नाइट सूट पहनेंगे फिर सोएंगे। तो इसी ये हमारी ड्रॉअर है, देखिए इसमें कपड़े रखे होंगे, ये कई सारे ड्रॉअर्स है, 3-4 लेयर की ड्रॉअर है। ये छोटी सी चेयर है जो वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल पर इस चेयर पर बैठ के ड्रेसिंग टेबल पर तैयार होने के लिए है। ये थोड़ी चेयर टूटी हुई है, ये है हमारी ड्रेसिंग टेबल, इसमें देखिए मिरर भी बना हुआ है और सारा आइटम्स रखने के लिए ड्रॉअर्स भी हैं। कहने कितनी प्यारी सी टेबल, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ड्रेसिंग टेबल। और ये है हमारा छोटा सा बेबी काउच, जिसमें बेबी लेटेगा। वाह, छोटा सा काउच है ये बेबी के लिए, बेबी का बिस्तर। ये लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, वो आला है ये घोड़ा जो अपने आप झूलता रहता है और बेबी को भी बिठा के झूलेगा। और ये है हमारा बेड जिसमें हम सोएंगे। वाह, पिंक कलर का बारबी का फेवरेट कलर है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। 2 पिलोज रखे हुए हैं इसमें और बेडशीट भी पड़ी हुई है। कितना अच्छा सा छोटा सा बेड है ना, इसके लिए तो छोटी सी डॉल चाहिए। तो दोस्तों आपको डॉल हाउस का टूर कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही नए नए टॉयज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पे जाएं, आपको वहाँ पे ढेर सारे टॉयज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर।